खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्री के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु दिए गए आदेशानुसार शादियाबाद पुलिस रात्रि करीब 1 बजे बैरिकेटिंग लगाकर शादियाबाद कस्बा के पास चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि पैशन प्रो बाइक सवार हंसराजपुर की तरफ से आ रहा है, उसके पास काफी मात्रा में असलाह है, वह कहीं असलाह बेचने के लिए जा रहा है। तभी शादियाबाद थाना प्रभारी घनानंद त्रिपाठी ने कंट्रोल रूम को अवगत कराते हुए बदमाश का पीछा किया। स्क्वाड टीम व थाना प्रभारी सादात की पुलिस मुजई तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। सूचना पर जवाबी कार्रवाई में मुजई से आगे रेलवे अंडरपास के पहले उस बदमाश का पीछा करते हुए घेराबंदी का प्रयास किया गया, तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में बदमाश महेश चंद्र यादव, उम्र करीब 36 वर्ष, ग्राम असौसा, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया, जिसके पास से 5 अदद अवैध तमंचा व 1 अदद रिवॉल्वर जिंदा कारतूस व 1 अदद 315 बोर कारतूस, 3 खोखा बरामद हुआ। बदमाश को CSC अस्पताल सैदपुर में भर्ती कराया गया है। के चेकिंग का अभियान जो है वो चलाया गया था, चेकिंग के आदेश मेरे द्वारा दिए गए थे। एक व्यक्ति जिसका नाम महेश यादव है, उसके पास से कुछ तमंचे उसके पास मिल सकते ऐसी सूचना पुलिस को जो है वो प्राप्त न हुई थी। ये व्यक्ति आजमगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने इस व्यक्ति को एक जगह पे सादात थाना क्षेत्र में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। इसके दौरान उसने अपनी बाइक पैशन प्रो इसको नहीं रोका और पुलिस के ऊपर फायरिंग उसने शुरू न कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके टांग पे जो है वो गोली लगी है। उसके पास से 5 तमंचे जो है वो बरामद हुए हैं, कुछ जिंदा कारतूस, कुछ खोखा कारतूस उसमें बरामद हुए हैं और इसको नजदीकी PHC केंद्र में उपचार हेतु, प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट श्याम भवन चौहान, CN न्यूज गाजीपुर। CN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।